गांव पर आफत रोकने के लिए 550 साल से तपस्या पर बैठा है संत, बढ़ रहे हैं बाल नाखून। डॉट हमने रामायण और महाभारत में कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें ऋषि मुनियों को हजारों सालों तक तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी तिब्बत से 2 किलोमीटर दूर बसे गांव गियू की है। यहां एक बौद्ध भिक्षु करीब 550 साल से तपस्या में लीन है। हैरानी की बात यह है कि आज भी उसके बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। इस वजह से लोग उसे ममी भी नहीं मान रहे हैं। दो कहानियों में उलझा 550 साल का इतिहास। पहली कहानी, गांव वालों का कहना है कि बौद्ध भिक्षु की ममी गांव के एक स्तूप में थी। मलबे से निकालने के बाद ममी की जांच की गई। पता चला कि ये भिक्षु तो करीब 550 साल पुराना है और ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ। एक्सपर्ट ने जब देखा कि भिक्षु की डेड बॉडी बिना किसी लेप जमीन में रहने के बाद भी खराब नहीं हुई थी। वहीं गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि 15वीं सदी में गांव को विपदा से बचाने एक संत घोर तपस्या पर बैठ गया था। बुजुर्ग बताते हैं कि गांव पर बिच्छुओं ने हमला बोल दिया था। हमले से बचाने के लिए संत ध्यान करने लगा। उसकी समाधि लगते ही चमत्कार हुआ। आकाश में बिना बारिश के इंद्रधनुष निकाला और गांव बिच्छुओं के आतंक से मुक्त हो गया। दूसरी कहानी, कुछ लोगों का कहना है कि ये ममी बौद्ध भिक्षु सांगला तिंजिंग की है। तिब्बत से भारत आने के बाद इसी गांव में आकर उसने ध्यान लगाया था और फिर कभी नहीं उठा। उसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं तो इसे ममी भी नहीं कह सकते। ये अभी भी ध्यान में है और जिंदा है। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि एक बार ममी के सिर पर कुदाल लगने की वजह से खून भी निकला था। चोट के निशान को आज भी साफ देखा जा सकता है। फिलहाल इसे धरोहर मानते हुए गांव में दोबारा स्थापित कर दिया है। भिक्षु की ममी को एक शीशे के केबिन में रखा गया है।